जी श्री बाल कृष्ण शुक्ला, प्रश्न संख्या 384। यस, पहला पूरक प्रश्न पूछिए। आदरणीय महोदया, हम सभी जानते हैं कि भारत की ज्यादातर आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में बसी है। कम से कम 60% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में है। और भारत निर्माण में, जब भारत निर्माण का एक प्रोजेक्ट हमने हाथ में लिया तो उसमें ये कहा गया था कि करीबन 186,000 किलोमीटर रोड ग्रामीण क्षेत्रों में बनेंगे। और उसके अनुसंधान में जब ये बताया गया था कि 1000 व्यक्तियों से ज़्यादा की आबादी वाले क्षेत्र मैदानी क्षेत्र, और 500 और उससे ज़्यादा आबादी वाले जनजाति और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए रास्ते बनाए जाएंगे। अब दिक्कत ये हो रही है कि जिन राज्यों में ये काम हो चुका है, जैसे मैं गुजरात से आता हूँ तो गुजरात में 100% काम ये हो चुका है। और इसी के प्रश्न ही पूछ रहा हूँ। और गुजरात सरकार के द्वारा भी एक खत लिखा गया था जिसमें पूछा गया था कि 500 से कम आबादी वाले गांव और 250 से कम आबादी वाले जनजातीय गांवों को भारत निर्माण के योजना के अनुरूप सड़क योजना में दाखिल किया जाए कि नहीं। मैं माननीय मंत्री श्री से प्रश्न पूछ रहा हूँ। महोदय, गुजरात में मोटे तौर से नए कनेक्टिविटी का काम खत्म हो चुका है। जो अभी काम बाकी है गुजरात में, वो अपग्रेडेशन का काम बाकी है। और मैं माननीय सदस्य को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि गुजरात का हक बनता है अपग्रेडेशन के लिए करीब 5,400 किलोमीटर का, और उसकी तुलना में अभी तक हमने करीब 3,500 किलोमीटर प्रस्ताव की मंजूरी हमने दे दी है। जब गुजरात सरकार से बाकी 2,000 किलोमीटर के प्रस्ताव आएंगे, हम बिल्कुल जल्द से जल्द उसकी भी अनुमति देने को तैयार हैं। दूसरा प्रश्न पूछिए, जल्दी पूछिए। दूसरा प्रश्न ये है कि जहाँ जनजातियों की आबादी 250 से कम है, अब मैं ये आपको पूछना चाहता हूँ कि ये सिर्फ गुजरात के बारे में नहीं है, पूरे देश में जहाँ आबादी जनजाति और पर्वतीय क्षेत्रों में 250 से कम है, तो उसके लिए क्या योजना बनाई गई? मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने ये नीति अपनाई है कि आदिवासी इलाका शेड्यूल 5 एरियाज में 250 के ऊपर के जो बसावटें हैं वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लिए जाएंगे। जहाँ तक 250 की कम की बसावटें की प्रश्न उठता है, कई सरकारों ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की है। मिसाल के तौर से मैं आप ही के राज्य का जिक्र करने वाला हूँ। मिसाल के तौर से मध्य प्रदेश में ये बसावटें ली गई हैं, महाराष्ट्र में भी लिया जा रहा है। जो मैं समझता हूँ 250 के ऊपर के बसावटें हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लेंगे, और 250 के कम बसावटें की आबादी है वो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं के तहत लिए जाएंगे। धन्यवाद। प्रश्न का